इंदौर में दलित समाज ने नानू रामजी चौहान की मौत के मामले में सौंपा ज्ञापन। जिले के मऊ तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में गत दिवस 95 वर्षीय नानू रामजी चौहान का आकस्मिक निधन हो गया था। ग्राम बजरंगपुरा में मुक्ति धाम नहीं होने के कारण शव को टायर ट्यूब घास लेट केरोसिन से अंतिम संस्कार किया गया था। इस घटना से दलित समाज में आक्रोश पैदा हो गया था, जिसे लेकर आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के तत्वाधान में दलित समाज के लोगों ने SDM कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और SDM महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। लाना चाहता हूँ 3 मार्च 2019 को भी ऐसी ही पीड़ा हमारे सामाजिक व्यक्ति के साथ हुई थी, तब भी हमें बरसाती लेकर दाह संस्कार करना पड़ा था और आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी आज हमारे साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। 52 लाख रुपए पारित हो चुके हैं, आवंटित हो चुके हैं ग्राम पंचायत पिगदम्बर को सामुदायिक भवन के लिए, आंगनबाड़ी के लिए तथा शमशान भूमि के लिए, किंतु तीनों में से कोई भी कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि संपूर्ण गाँव जो है दलित समाज का बसा हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि अभी तक हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव हुआ, हमारे लोगों को जलने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, दो दो तीन तीन दिन तक हमारे लोगों की लाशें घर में पड़ी रहती है, वो रुदन दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं। महोदय, आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में हम सभी समाजजन आपसे रिक्वेस्ट करने आए, निवेदन करने आए, आग्रह करने आए कि इंदौर जिले की मऊ तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में जो गत दिवस 95 वर्षीय नानू राम जी चौहान का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनका शव 2 दिन तक घर में पड़ा रहा महोदय, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। शमशान नहीं होने से गांव में जिस किसी की भी व्यक्ति की मृत्यु होती है खुले में हमें जलाना पड़ता है। बारिश में तो शव के हाल बेहाल हो जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक शव को घर में रखना पड़ता है। जब बारिश बंद होती है तो शव को जलाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब बारिश बंद नहीं हो रही थी तो परसों के दिन गत दिवस नानू राम जी का शव समाजजनों ने बरसाती को त्रिपाल को हाथ में रखकर टायर और ट्यूब से, महोदय जबकि हमारे हिंदू परंपरा में सनातन पद्धति में यह विचारधारा और यह मानना भी है, यह परंपरा भी है कि कपूर और कंडे